नमस्कार दोस्तों, अगर आप नोएडा दिल्ली से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, अगर आपकी टीवी ख़राब हो गई है या टीवी टूट गई है, कोई सा भी प्रॉब्लम हो गया है, तो कैसे आप फैक्ट्री से डायरेक्ट रिपेयर करवा सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपकी टीवी टूट गई या डिस्प्ले प्रॉब्लम हो गया या कॉफ प्रॉब्लम, तो आप इजीली कैसे रिपेयर करवा सकते हैं, दिल्ली एंड नोएडा वाले के लिए वीडियो है, तो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आपकी टीवी ब्रोकन है और आपको पिकअप करवाना है, ड्रॉप करवाना है, तब भी आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। अगर आप लेके आना चाहते हैं पिकअप पॉइंट पे, तो वो भी मैं बताऊंगा। और कैसे आपका रिपेयर होगा, कैसा सेटअप होता है रिपेयर का, ये सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि ये सेटअप देख सकते हैं, ऐसा एक सेटअप होता है जहाँ पे LED टीवी आपका डिस्प्ले में कॉप प्रॉब्लम होता है तो रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आपका डिस्प्ले में पिक्चर नहीं आती है, बैकलाइट जल रही है, तो इस तरीके से आपकी टीवी को रिपेयर किया जाता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉप चेंज किया जा रहा है और यहाँ पे बॉन्डिंग की जा रही है, जो कि आपको कॉप को पेस्टिंग किया जाता है, उसी का चार्ज आपको बताया जाएगा, जो अगर डिस्प्ले में प्रॉब्लम है तो। अगर आपकी डिस्प्ले टूट जाती है तब तो हम डिस्प्ले चेंज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी जो हो रहा है, ये हो रहा है बॉन्डिंग, इसको जिससे डिस्प्ले में लाइन आ गई, आपकी डिस्प्ले में पिक्चर नहीं आ रही है, तो ये किया जाता है। और ये अब जो देख रहे हैं, ये हो रहा है पोलराइजर, और ये होती है बड़ी ब्रांड करवाते हैं, जो कि बल्क में टीवी देते हैं वही करवाते हैं, हम सिंगल वाले पोलराइजर नहीं करते। जैसे कि ऊपर का स्क्रैच लग गया, ये सब होता है, तब ये पोलराइजर किया जाता है। और आपको ये वीडियो को देखना है कि कैसे टीवी रिपेयर होता है, ठीक है। और पोलराइजर होने के बाद टीवी का जो ऊपर का जो फिल्म होता है वो चेंज कर दिया जाता है। टूटा हुआ टीवी में पोलराइजर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ओनली फॉर स्क्रैच, जैसे ऊपर में स्क्रैच, कोई बच्चे ने पिन मार दिया या स्क्रैच मान लो, स्क्रैच का ही ओनली फॉर पोलराइजर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी टीवी भी ख़राब है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वीडियो आप देख सकते हैं। अब जब नया डिस्प्ले डलता है तो कैसे डलता है, जैसे कि 32 इंची का टीवी का देख सकते हो, ये नया डिस्प्ले डल रहा है, तो हम एकदम न्यू डालते हैं। जो भी डिस्प्ले डालते हैं उसमें 6 मंथ की वारंटी हम देते हैं, ठीक है, और आपको डिस्प्ले नया डाल के देते हैं। और जो भी प्राइस हो 32 से लेके 55 तक, जो भी टीवी आपके पास है, जो भी ब्रांड है, उस ब्रांड में हम डाल के देते हैं। प्राइस आपको व्हाट्सअप पे दे दिया जाएगा, कॉल कर लीजिए। कॉल अगर नहीं उठता है तो आप व्हाट्सअप कर ले, व्हाट्सअप पे जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और ये रहा पिकअप पॉइंट, जहाँ पे आप टीवी को लेके आ सकते हो, टीवी को लेके जा सकते हो। यहाँ से आपको क्या है कि टीवी आप अगर पिकअप नहीं करवाना चाहते, आप खुद लेके आना चाहते हैं, तो इस लोकेशन पे आपको टीवी ला के रख देना है। और आपको अच्छा 60 घंटे के अंदर अपडेट दिया जाएगा कि आपका टीवी ओके होगा या नहीं होगा, डिस्प्ले अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, सब चीज़ मैंने दिखाया, पीछे का वीडियो किसी और फैक्ट्री का दिखाया, और ये देख सकते हो यहाँ से आपको टीवी रिपेयर करके मिलता है। ये सेटअप आप देख ले, ये सेटअप पे आपको टीवी को दिया जाता है, जहाँ से आपको रिपेयरिंग करके या डिस्प्ले चेंज करके इस लोकेशन से आपको दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सब व्हाट्सअप नंबर पर जाके व्हाट्सअप करें और कॉल करें। कॉल अगर पिकअप नहीं होता है तो व्हाट्सअप कर ले दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा सेटअप है, जो पिकअप पॉइंट है, वो नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 106 NSEZ मेट्रो के पास है, जहाँ पे आप पिकअप ड्रॉप कर सकते हो। ऐसे आप व्हाट्सएप पे बात करोगे तो आपको लोकेशन दे दिया जाएगा, जहाँ से आप ड्रॉप और पिकअप दोनों कर सकते हो। अगर आपका घर पे विजिट करवाना है तो भी आपका टेक्नीशियन घर पे विजिट करके टीवी को चेक कर लेगा दोस्तों। तो यहाँ तक वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना।